तो हे गाइस, मैं हूं के जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड प्रोडक्शन सरफेस। फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या फिर आउटसाइड ऑफ स्टेट हैं, तो फ्रेंड यदि आपके पास कंप्यूटर स्किल है और आप अपना कंप्यूटर सेंटर ओपन करना चाहते हैं फ्रेंड, तो ये वीडियो पूरी तरीके से आप देखिएगा। यदि फ्रेंड आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से आपकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से जो है कि आप फ्रेंचाइजी लेकर आप जो है कि अपना कंप्यूटर सेंटर ओपन कर सकते हैं और महीने के 2 से 3 लाख रुपए आप कमा सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरी तरीके से बनिएगा फ्रेंड्स। और यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं फ्रेंड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल में इसी टाइप का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होता है हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर सिंपली तरीके से आपको गूगल कोई भी एक वेब ब्राउजर ले लेना है और वहां पर टैब ओपन करके सिंपली तरीके से ईमैक्स सर्च कर लेना है। ईमैक्स जैसे सर्च करेंगे फ्रेंड, फर्स्ट वेबसाइट आएगी www.emacsindia.in, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड, देख सकते हैं जो वेबसाइट का फ्रंट पेज आपको दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं एजुकेशन मैक्सिमम ईमैक्स काउंसिल ऑफ द स्किल वोकेशनल। ठीक है, बेसिकली फ्रेंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक प्रकार से ट्रेनिंग कंपनी बोल सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पर जो है कि सिंपली तरीके से आपको यहाँ पर ट्रेनिंग भी कराया जाता है, साथ में ये जो होते हैं फ्रेंचाइजी भी देते हैं, मतलब आप इनका फ्रेंचाइजी लेके आप अपना कंप्यूटर सेंटर ओपन कर सकते हैं। और इसके लिए कोई हायर रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, आप सिंपली तरीके से 1 या 2 रूम भी है आपके पास, यदि आपके पास मतलब 2-4 कंप्यूटर भी हैं, 5-6 कंप्यूटर भी हैं, तो आप इजी तरीके से अपना जो सेंटर है ओपन कर सकते हैं फ्रेंड। क्योंकि यदि 2-4-6 सिस्टम हैं आपके पास, तभी तो आप कंप्यूटर ट्रेनिंग देंगे अपने स्टूडेंट को। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे फ्रेंड। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड कोर्स के बारे में कि क्या क्या कोर्स कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो कोर्स का डिटेलिंग है आप देख सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जोन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जोन है, वोकेशनल कोर्स जोन है, और आपका नर्सरी टीचर ट्रेनिंग NTTT जोन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड मैं यहाँ पास जो आपका सॉफ्टवेयर जोन है मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जोन कोर्स लिस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सर्टिफिकेट इन ऑफिस ऑटोमेशन COA 3 मंथ, 3 मंथ का है सर्टिफिकेट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड, DCA वगैरह करवा सकते हैं, 6 मंथ वाला बेसिक प्रोग्रामिंग, डिजिटल मार्केटिंग, GST डिप्लोमा, टैली। ठीक है, कंप्यूटर डिप्लोमा प्रोग्रामिंग, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, वेब डेवलपमेंट। तो फ्रेंड मैं इसमें बेसिकली देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेस हैं, मैं इसमें हल्का सा हिंट आपको दे रहा हूँ कि बेसिकली इसके अंदर फ्रेंड आप जो है कि जैसे आपके पास फ्रेंड सर्टिफिकेट कोर्स आप करवा सकते हैं, जैसे आप C++, बहुत सारे लोग होते हैं फ्रेंड PG DCA DCA तो कर लेते हैं लेकिन उनको प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं होता है, प्रॉपर कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होता, जैसे कि आप MS Word सिखा सकते हैं 2-3 मंथ के लिए, तो आप सर्टिफिकेट यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर PHP सिखा सकते हैं, Bootstrap सिखा सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग सिखा सकते हैं, आपका ग्राफिक डिजाइनिंग है, इमेज एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, C++, जावा, ये सब के जो है कि कोर्स आप सिखा सकते हैं फ्रेंड, और उनका सेपरेट जो है सर्टिफिकेट दे सकते हैं 6 मंथ का या 3 मंथ का, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। तो इस टाइप से आप कोर्स करवा सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पर फ्रेंड जो है कि आप सिंपली तरीके से जो यूनिवर्सिटी कोर्सेस है वो नहीं करवा सकते यहाँ से, ठीक है, लेकिन जितने भी कंप्यूटर कोर्सेस हैं वो आप इजीली तरीके से करवा सकते हैं, जो यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई दे रहा है, वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, PHP, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, जावा प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब कुछ कोर्सेस आप करा सकते हैं, ये आपका सॉफ्टवेयर जोन हो गया। अब बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पर देखिए हार्डवेयर जोन का। ठीक है, हार्डवेयर कोर्सेस के अंदर तो देख सकते हैं फ्रेंड, हार्डवेयर के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर डिप्लोमा इन हार्डवेयर, ठीक है, कंप्यूटर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, तो कंप्यूटर का जो भी फंडामेंटल चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर पार्ट, मदरबोर्ड पार्ट से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं उनके बारे में भी आप यहाँ पर ट्रेनिंग दे सकते हैं और सर्टिफिकेट अपने स्टूडेंट को आप इजी तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये आपका मैंने यहाँ पर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जोन करा दिया, इसी तरीके से वोकेशनल ट्रेनर जो कोर्स है वो भी देख सकते हैं आप, जो भी हाल ही में चला है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग NTT, इसका भी कोर्स आप यहाँ से करवा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पर जो है कि जो इसका एफिलिएशन प्रोसेस क्या है, ठीक है, मतलब कि आप यहाँ से फ्रेंचाइजी कैसे लेंगे, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले फ्रेंचाइजी लेने से पहले फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सिंपली तरीके से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको डिटेलिंग दिखा देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड आपको देख सकते हैं जैसे नीचे आएंगे, देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एक गवर्नमेंट अप्रूवल ऑर्गेनाइजेशन है, और फ्रेंड जो इसका जो
हेडक्वार्टर है वो कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड व्हाट्सअप नंबर है और कॉलिंग नंबर है। तो व्हाट्सअप नंबर में आपको इनको मैसेज करना है कि आप अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करना चाहते हो और आप इंटरेस्टेड हो। तो जैसे आप कॉल या मैसेज करेंगे इनको, ये दो नंबर देख रहे हैं, कॉल या मैसेज करेंगे तो उधर से आपको रिप्लाई करेंगे। और रिप्लाई करने के बाद देखिए फ्रेंड वो आपको यहाँ पर सिंपली तरीके से एक फॉर्म देने वाले हैं। मैं बता दे रहा हूँ, इस फॉर्म को आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, ये देख सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ हूँ, देख सकते हैं ई मैक्स एजुकेशनल, देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर इंस्टीट्यूशन ऑथराइजेशन के लिए। तो फ्रेंड ये बेसिकली वो मतलब वो पर्सन फॉर्म भरेगा जो कि अपना कंप्यूटर सेंटर ओपन करना चाहता है, जो कंप्यूटर हेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम, आपको अपना नाम, जो ऑनर होगा उसका नाम, उसके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसका पूरा एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, पोस्ट जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा, टेम्प्रेरी एड्रेस, सब यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड आपको कुछ यहाँ पर रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी कि कौन कौन से कितने सिस्टम है आपके पास, तीन है, चार हैं। हालांकि यहाँ कोई रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है फ्रेंड, फ्रेंचाइजी दे दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर अपना कुछ डिटेल डालें कि आपका जो रूम है कितने स्क्वायर फीट पे है, कितने सिस्टम है आपके पास, प्रिंटर क्या है, ठीक है, आपके पास कौन कौन सी मशीन है, फैकल्टी के डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। अदरवाइज फैकल्टीज वगैरह नहीं भी हैं तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, यहाँ फ्रेंचाइजी इसी तरीके से दे दिया जाता है। और यहाँ पर फ्रेंड जो है कि आप कौन सा जोन लेना चाहते हैं अपने सेंटर में, सॉफ्टवेयर की पढ़ाई कराना चाहते हैं, हार्डवेयर की, वोकेशनल की, या फिर टीचर ट्रेनिंग की, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड फीस की डिटेल है, फीस आपको ऑनलाइन ही पेड करना पड़ेगा। जब आप इस फॉर्म को फिल करके आप सेंड करेंगे तो वो आपको क्यूआर कोड देंगे, उस क्यूआर कोड में आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू, चाहे फोन पे या गूगल पे के थ्रू। यहाँ पर फ्रेंड आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा, साथ में आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टिक कर लीजिएगा, आपको अपना डिक्लेरेशन नाम वगैरह पता देना है, अपना पूरा एड्रेस फिल करना है डिक्लेरेशन में। डिक्लेरेशन के बाद फ्रेंड आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर फिल करेंगे, और यहाँ पर फ्रेंड जो है कि अपना सिग्नेचर, थंब वगैरह, और आप प्लेस वगैरह सब आप देंगे, ठीक है, डेट वगैरह डिक्लेरेशन का सब देंगे। जब फ्रेंड आप इस फॉर्म को कैपिटल लेटर में आपको पेन में फिल करना है फ्रेंड, याद रखिएगा, ठीक है। इसको फिल करके आपको क्या करना है फ्रेंड, इस फॉर्म को जब आप फिल कर लेंगे उसके बाद इसको आप स्कैन करके पीडीएफ बना लीजिएगा, ठीक है, और पीडीएफ अलग बनाइएगा, साथ में आपका पेन कार्ड, आधार कार्ड और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का पीडीएफ अलग बनाइएगा। दो पीडीएफ आप बना लीजिएगा, एक इस फॉर्म का और आपके क्वालिफिकेशन, आधार कार्ड, पेन कार्ड का, दोनों का पीडीएफ बना लीजिएगा। पीडीएफ बनाने के बाद व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिएगा, जैसे सेंड कीजिएगा फ्रेंड वो वहाँ से उस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड वो आपको क्यूआर कोड देंगे, वहां पर आप 2000 रुपये का पेमेंट करिएगा, क्योंकि 2000 में ही आपको फ्रेंचाइजी मिल जाएगी फ्रेंड। जैसे आप उनको 2000 रुपये पेमेंट सेंड करेंगे, उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर फ्रेंड वो कुछ ही टाइम में, 2 घंटा या 3 घंटा के अंदर ही आपका जो फॉर्म है एक्सेप्ट कर लेंगे, और वहाँ पर जो है कि आपको सेंटर लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली तरीके से जो सेंटर का लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है आपको जो आपके व्हाट्सएप नंबर है उस पर ही सेंड कर देंगे, या तो फिर आपको अपने ईमेल आईडी पे सेंड करेंगे। तो आप वहाँ पर अपना राइट ईमेल आईडी दीजिएगा, याद रखिएगा फॉर्म में, ठीक है, राइट ईमेल आईडी और अपना जो मोबाइल नंबर है वो राइट होना चाहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान में देना है फ्रेंड, ठीक है। और फ्रेंड यहाँ पर सिंपली तरीके से जब आप इस चीज़ को यहाँ पर फिल कर लेंगे, जो आप जब को आप तो आपका जो ईमेल, जो आपके ईमेल आईडी पे ही आपका पासवर्ड वगैरह सेंड कर देंगे वो लोग, ठीक है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, जैसे पासवर्ड आपको मिल जाता है, यूजर आईडी और पासवर्ड, तो आपको क्या करना है फ्रेंड, देख सकते हैं आप यहाँ, देखिए बहुत सारा कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं सेंटर लॉगिन, तो सेंटर लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड, जो आपका जो, क्योंकि आप तो जो जो ऑनर हैं, हेड हैं अपने सेंटर के, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान है। तो आपको अपने जो सेंटर लॉगिन है इसके ऊपर क्लिक करके अपना आईडी पासवर्ड आप डालेंगे, तो फ्रेंड आपका जो है कि प्रोफाइल जो है ओपन हो जाएगा फ्रेंड। और फ्रेंड जैसे ही आप अपने प्रोफाइल के अंदर विजिट करेंगे, तो आप फ्रेंड वहीं से जो है कि आप अपना स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करेंगे, और वहीं से जो है कि उसका पूरा पेमेंट वेमेंट आप उस अपने जो सेंटर ओनर का आईडी है वहीं से आप करेंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा, कौन सा कोर्स सेलेक्ट कर रहा है, कितनी फीस लग रही है, सब कुछ आप वहीं से करेंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सेंटर वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं यहाँ से, कोई भी जैसे कि सेंटर वेरिफिकेशन करना चाहता है तो इस ऑप्शन से सेंटर वेरिफिकेशन कर सकता है कि सेंटर वाकई में मौजूद भी है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद सर्टिफिकेट भी यहाँ पर फ्रेंड वेरिफिकेशन कर सकता है कि सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट लॉगिन। तो फ्रेंड जब आप अपना सेंटर लॉगिन ओपन करके, जो ऑनर होगा वो सेंटर लॉगिन करके जब वो कोर्स सेलेक्ट करेगा, जो भी बच्चा जिस भी चीज़ का एडमिशन ले रहा है उस जगह पे वो उसका फॉर्म फिल करेगा, उसके बाद देखिए जब फ्रेंड वो पेमेंट कर देगा, तो पेमेंट करने के बाद फ्रेंड जो उसका एक ईमेल आईडी, जो उसका एक सिंपली तरीके से
उसके मोबाइल पे या फिर उसकी ईमेल आईडी पे एक लॉगिन पासवर्ड आएगा जो कि स्टूडेंट का लॉगिन पासवर्ड होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड जो स्टूडेंट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उसके मोबाइल पे आ जाएगा या उसके ईमेल आईडी पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट उस यूज़र आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके अपने प्रोफाइल में जाकर फ्रेंड जो स्टडी मटेरियल है उसको भी स्टडी मटेरियल को यूज़ कर सकता है। साथ में अपने प्रोफाइल की डिटेलिंग भी देख सकता है कि कौन कौन से कोर्स उसने सेलेक्ट किया हुआ है। और साथ में जो उसका ऑनलाइन एग्जाम होगा फ्रेंड स्टूडेंट लॉगिन से ही होगा। स्टूडेंट जैसे लॉगिन होगा उसके बाद वहाँ पर जो है कि उसका एग्ज़ाम जो है उसके लॉगिन पैनल पे ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और फ्रेंड बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सिंपल तरीके से बात कर लें, जो सेंटर ऑनर होगा फ्रेंड जो एग्ज़ाम जो सेंटर जहाँ पर आपका होगा, तो फ्रेंड जो क्वेश्चन पेपर जो सेट होगा वो ईमैक्स के द्वारा ही सेट होगा और जो क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट के लॉगिन आईडी पे ही मिल जाएगा। तो स्टूडेंट जैसे ही अपना कोर्स कंप्लीट करता है, 3 मंथ का है तो 3 मंथ जो है ट्रेनिंग लेगा स्टूडेंट, और जो 3 मंथ बाद जो उसका एग्ज़ाम होगा वो स्टूडेंट लॉगिन आईडी पे ही उसका एग्ज़ाम होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर सिंपली तरीके से यहाँ पर जो है कि स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम स्टूडेंट लॉगिन से क्लिक करके अपना कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका पैनल की बात। यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो है कि एडमिशन फॉर्म है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो भी स्टूडेंट है यहाँ पर सेंटर, और जैसे जैसे आप अपना कोई कोर्स ज्वाइन करने के लिए आता है तो आपको जो आपके सेंटर में आएगा तो आपको इस फॉर्म को उसको देना पड़ेगा। स्टूडेंट को एडमिशन फॉर्म है जिसमें स्टूडेंट अपना डिटेल देगा, अपना नाम, अपना फादर नेम, मदर नेम, डेट, सेंटर कोड वगैरह, उसका पासपोर्ट साइज फोटो, देन उसका जो क्वालिफिकेशन है वो, उसका आईडी नंबर, कौन सा कोर्स ज्वाइन कर रहा है, और फ्रेंड डेट होगा, और यहाँ पर जो है जो ब्रांच हेड होगा उसका यहाँ पर सिग्नेचर, और कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट होगा उसका सिग्नेचर होगा। और इस फॉर्म को फ्रेंड आपको ले लेना है, जो सेंटर हेड होगा वो इस फॉर्म को ले लेगा और लेने के बाद फ्रेंड इस फॉर्म को ईमैक्स को ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। ट्रांसफ़र करने के बाद वो सिंपली तरीके से जो है कि उसका एडमिशन अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद जो है कि फ्रेंड वो जो आप सेंटर ओनर होंगे तो अपने सेंटर में उस स्टूडेंट को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगा, एग्ज़ाम भी एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम भी यदि हो जाएगा, इस एग्ज़ाम होने के बाद फ्रेंड जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट को जो है ईमैक्स जो है सिंपली तरीके से सेंटर ओनर के एड्रेस में सेंड करेगा। जो उसका सेंटर का जो एड्रेस होगा वहां पर जो है कि ईमैक्स सेंड कर देगा रिजल्ट को, और उसका ई पीडीएफ भी जो सेंटर के ओनर की ईमेल आईडी पे आ जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और फ्रेंड जब आप इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे सिंपली तरीके से, जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फ्रेंड देखिए ईमेक्स के थ्रू जो होता है कि कुछ पार्सल सेंड किए जाते हैं फ्रेंड, याद रखिएगा, जिसमें कि आपका वेलकम लेटर होता है सेंटर ओनर के लिए, वेलकम लेटर होगा, मैं भी दिखाऊंगा आगे, वेलकम लेटर होगा, आपका जो लाइसेंस होगा जो एक प्रकार का, एक बोल सकते हैं आपके सेंटर का ईमेक्स का जो ऑथराइजेशन लाइसेंस होता है वो भी सेंड किया जाएगा जो सेंटर ओनर के ईमेल पे ही, ईमेल पे सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और ईमेल पे सेंड करने के बाद फ्रेंड उसका जो कुरियर के थ्रू भी आपको सेंड किया जाएगा। कुरियर में जो है ईमेक्स आपका बैनर प्रोवाइड करेगी और आपका आईडी कार्ड प्रोवाइड करेगी सेंटर ओनर का, साथ में ऑथराइजेशन लेटर भी पास करेगी, और सिंपली तरीके से जो आपका लाइसेंस होगा ईमेक्स का जो कोड होगा एक सर्टिफिकेट उसे भी ट्रांसफ़र करेगी। और फ्रेंड जैसे ही वो ट्रांसफ़र करती है कुरियर के थ्रू, तो आपको जो है ईमेल आईडी पे वो ट्रैक नंबर भी दे देगी। ईमेल आईडी चेक कीजिएगा, ट्रैक नंबर से आप चेक कर सकते हैं कि आपका कुरियर कहाँ पर पहुंचा हुआ है फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड जो है कि मैंने पूरी विवरण बता दी मैंने कि आप 2,000 रुपये में फ्रेंचाइजी लेकर सिंपली तरीके से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और फ्रेंड और भी मतलब ईमेक्स के बारे में हम लोग जान लें कि क्या क्या चीज़ें ये किस किस चीज़ों से मतलब रिकॉग्नाइज्ड है या फिर जो ऑथेंटिकेट है, तो यहाँ देख सकते हैं रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हैं, फिर इसके बाद देख सकते हैं क्यूआरओ से भी हैं, क्वालिटी ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से भी हैं, देखिए फ्रेंड यहाँ पर नीति आयोग से भी इनका संबंध है, और आनसीसी से भी ये अप्रूवल्ड है, याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ सबसे मेन चीज़ है आईएसओ सर्टिफाइड है, यहाँ पर देख लीजिए दोनों आईएसओ सर्टिफाइड है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, इनके स्टाफ बहुत अच्छे हैं, तो फ्रेंड आप इनसे फ्रेंचाइजी लेकर सिंपली तरीके से अपना कंप्यूटर सेंटर ओपन कर सकते हैं। और भी फीचर दे दिया गया है, देख सकते हैं वेबिनार का भी फीचर्स दे दिया गया है, यहाँ पर एडमिट कार्ड भी आप इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी टीचर्स होंगे वो भी लॉग इन कर सकते हैं, यदि आपके सेंटर में टीचर्स होंगे तो वो भी यहाँ पर सिंपली तरीके से लॉग इन कर पाएंगे फ्रेंड। तो काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, आप यहाँ से अपना फ्रेंचाइजी लेके फ्रेंड आप सिंपली तरीके से जो है कि पैसा
कमा सकते हैं और कंप्यूटर ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड मैं आपको सर्टिफिकेट के बारे में दिखा देता हूँ एक बार हल्का सा। तो देख सकते हैं फ्रेंड इस तरीके का सर्टिफिकेट आपके पास आएगा, देख सकते हैं मेरा जो है फ्रेंड यहाँ 2 साल पहले का ऑथराइजेशन है, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं कि लाइसेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे जो लाइसेंस सर्टिफिकेट है, यहाँ देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड मैंने सॉफ्टवेयर जोन लेकर रखा हुआ है एंड सर्टिफिकेट नंबर भी मेरा दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पास देख रहे होंगे, ठीक है। सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं इसे ब्लर कर दूंगा फ्रेंड, आप अपने केस में देख लीजिएगा। आपको इसी टाइप से सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपका ई सर्टिफिकेट भी आपको ईमेल में भेजेंगे और साथ में वो लोग वहाँ पर कुरियर भी आपको करेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड वेलकम लेटर भी आपको दिया जाएगा, यहाँ पास आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका जिला, आपका स्टेट्स एंड देन आप कौन सा जोन पे यहाँ पर लाइसेंस लिए हुए हैं उसका भी यहाँ पर डिटेल दिखाई देगा आपको, ठीक है। इसका दूसरा पेज भी है जहाँ पर कि डायरेक्टर सर का यहाँ पर जो होगा ईमैक्स का यहाँ पर साइन होगा, सिग्नेचर होगा, सील होगा और उनके स्टाफ्स का भी कुछ यहाँ डिटेल्स होगा। तो फ्रेंड इस तरीके से जो है कि आप सिंपली तरीके से अपना कंप्यूटर सेंटर ओपन कर सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं, साथ में पब्लिक का जो जो एजुकेशन है कंप्यूटर एजुकेशन उसको प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रेंड। तो फिर फिलहाल फ्रेंड यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।